बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नसीर न्यूज के स्टूडियो से मैं हूं मदीहा बलोच। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची में कोरोना SOPs के हवाले से महकमा दाखिला सिंध का कराची के लिए फिर नया हुक्मनामा जारी। कराची में कोरोना SOPs के बाईस तजारती मराकजों और मार्केटें बंद करने के दिन में तब्दीली कर दी गई। सिंध हुकूमत ने मार्केटों के औकात कार फिर तब्दील कर दिए। हफ्ता को मार्केटें खुलेंगी, जुमा और इतवार को मार्केटें बंद होंगी। सिंध हुकूमत के मुताबिक तब्दीली ताजर बरादरी की दरख्वास्त पर की गई। रिपोर्ट कामरान अकबानी, नसीर न्यूज, कराची। वोसपुर के इलाके दुरानी महर थाना की हदूद में महर और सब्जोई कबायल के दो ग्रुपों में तसादम। सब्जोई कबायल के फायरिंग से मियां बीवी जख्मी हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में नौजवान गुलशेर और इसकी बीवी मीरजादी शामिल है। मियां बीवी की हालत तशवीशनाक होने पर रहीम यार खान हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। फायरिंग का वाकया पुराने तनाजे पर पेश आया। रिपोर्ट शौकत अली, नसीर न्यूज, कानकोट। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदल शेख टंडोला यार पहुंच गए। PTI रहनुमा एडवोकेट अली लाला अमीनुल्ला मुसाखिल और दीगर भी शामिल। हलीम आदल शेख ने बाबर खानजादा के वर्सा से ताजियत की और वाकये की तफसीलात मालूम की। मकतूल बाबर खानजादा के वर्सा के हमरा थाने FIR भी कटवाने गए। आज इंसानियत रो पड़ी है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। जब मैं असेंबली में था तो पता चला थाने में एक लाश मिली है, ऐसी खुदकुशी दिखाई गई जिसकी टांगे भी मुड़ी हुई थी। किसी वजीर का मुर्गा भी चोरी हो जाता है तो FIR काट दी जाती है। एक गरीब शख्स बाबर खानजादा को घर से पुलिस ने उठाया। उठाने के बाद वर्सा से रिश्वत मांगी गई। पुलिस भी अगवा बराए तमान जैसे वारदातों में मुलव्वस है। बाबर की बहन से पुलिस ने रहा करने के पैसे मांगे। सिंध में पुलिस गर्दी के वाकया रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। गरीब का बच्चा मार दिया गया लेकिन FIR नहीं काटी गई। KP के थाने में एक शख्स की मौत होती है, SHO को जेल भेजा जाता है। यहाँ SHO अभी तक सीट पर बैठा है क्योंकि इनको मालूम है इनको बचाने वाले हैं। कल से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई भी PP का नुमाइंदा इनके पास नहीं आया। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कातिल बन चुके हैं। टंडवाला यार में मंशियात फरोशी अरूज पर, जिसकी सरपरस्ती भी पुलिस करती है। बाबर खानजादा का खून रायगा जाने नहीं देंगे। वर्सा के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे, वर्सा को इंसाफ दिलवाएंगे। रिपोर्ट अरफान कायम खानी, नसीर न्यूज, टंडवाला यार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू अकरामुल्ला खान ने रमजान मुबारक में सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लेने के लिए हंगू बाजार का दौरा किया, जहां उन्होंने ट्रैफिक इंचार्ज मुश्ताक अली खान और SHO सिटी वाली शाह को सिक्योरिटी इंतजाम और हिफाजती तदाबीर के मुतालिक अहम हिदायत जारी किए। DPO ने पुलिस की तरफ से फराम करदा सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया और सिक्योरिटी की मद में तमाम अवामल को तसली बख्श करार दे दिया। रिपोर्ट हशमत खान, नसीर न्यूज, हंगू। टंडोवाला यार में जहां इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। टंडोवाला यार में एक नौजवान को 12 घंटे कबल CIA पुलिस ने स्टेशन एरिया से हिरासत में लेकर ए सेक्शन पुलिस के हवाले कर दिया था, जहां गिरफ्तार नौजवान पर सरकारी मदियत में 1000 मीनपुरी का मुकदमा दर्ज किया गया। 12 घंटे बाद नौजवान बाबर खानजादा की पुलिस लॉकअप से फंदा लगी लाश बरामद होने पर सिविल जज ने लॉकअप का दौरा किया और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बाबर खानजादा की पुलिस हिरासत में हलाकत मामा बन गयी। मकतूल के भाई जाकर ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि भाई की रिहाई के लिए भारी रकम तलब की गयी थी। रकम ना देने पर हमें भाई की लाश का तोहफा दिया गया है, जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। रिपोर्ट हेड ब्यूरो चीफ नीलम शाह, नसीर न्यूज, हैदराबाद। लसबेला के साहली इलाके कंडमलीर में गैस्ट्रो की वबा फैलने के मौके पर DHO लसबेला ने फौरी इमदादी टीम भेजकर वबा पर काबू पा लिया। इस मौके पर इलाका मकीनों की तरफ से DHO लसबेला का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे अफसरों की जरूरत है जो वक्त पर काम आए। रिपोर्ट मीर अली जान शाह, नसीर न्यूज, कंडमलीर, लसबेला। गंदाखा के करीब 58 पुल के मुकाम पर एहसास प्रोग्राम सेंटर के रिटेलर फाइक रहूजा से डाकू ने 20 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए।
इत्तला मिलते ही पुलिस और अहले इलाका मौके वारदात पर पहुंच गए। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सोमरो, नसीर न्यूज, जाफराबाद, बलोचिस्तान।